राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ रितु में आप सभी का दिल तय खनी दिल तय स्वागत है। तो अभी इस टाइम पर बज गई हैं दोपहर के लगा लो 11:30 का टाइम हो गया, जिस टाइम पर मैंने अपना व्लॉग की जो है शुरुआत कर दी है। और ना धो भी ले हूँ, मेरा काम धाम सब कुछ बन चुका है। नायका ने बस ये बना तैयार हुई थी और यो सूट मैंने आज बोते घने दिन में पह रहा है। दुपट्टा इसका ओढ़ कौन सकती, क्योंकि ईसा ईसा रंग था, ईसा ईसा और सारा पीला दुपट्टा हो रहा है और रंग चढ़ गया होगा किसी दूसरे का। तो या तो ओढ़ने लायक सोच है स्टोले ओढ़ लिया, अगर मैं हम स्टोले सुहा में है पसीना पसीना वैसा पूंजे भी जावे, सही है स्टोल सुहा भी जावे, चुनी तो बिल्कुल भी कोने सुहांदी तो गर्मिया में। तो और ज़्यादातर मैं गर्मिया में स्टोले ओढ़िया करूँ। और इब दोपहर की नींद खराब करते हुए मैं चली मामा और खे जाया मुखान जाऊँ। कल मामी भी आ रही थी, कब थी आंदी क्या तक होनी है, तो जाऊंगी पिसना हो रखा है वो पिसना धर आऊँगी। वैसे आटा रह रहा है काफ़ी दिन का, मतलब अब तक का तो रह रहा है आराम तक, फिर मैं कहा ठीक है टाइम लगेगा तो पीस देंगे, फिर मैं बाद में बाज कर उठा लाऊँगी। और गर्मी बहुत तो भयंकर हो चुकी है, जब मैं ठंडा ठंडा पानी तो नहाई हूँ मैं तो, क्योंकि थकावट सी हो जाओ काम दाम कर नो चिपचिपासापन हो जाए फिर नहाना पड़े। फिर मैं दो टाइम तो हर रोज़ नहाया करूँ, एक सुबह में और एक मतलब रात में सोने से पहले, तो पक्का है पक्का, क्योंकि जब मैं ठंडा ठंडा पानी तो नहा कर सारी आर उतर जावे साचे रही, तो टंकी में तभी नवाया नवाया पानी आने लग गया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़े है। हमने तो कूलर भी निकाल लिया है, पानी भी गाल कर चलाने लग गया हम आप तो। पापा जी बाहर आंगन में फराटा लगा कर सो जा मैं है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है इस तो। हाँ, तो चलो चले भाई मामा और कहानी और फिर मिलवाते हैं आप सभी से, मरना खुद न भी जाए। अब तक तो राम तो लिया होगा, 4 तारीख न गई थी सुबेरे सुबेरे बाजे बाजे आटा उठा कर न लेके आई थी, तो इब जाया हूँ मैं। और नाना देखियो के का होगा यहाँ दी क्या तक नहीं इब। तो मैं भी थोड़ी बीमार हो गई थी इब सी, तो जाता मैं जान कौन पाई दिन में काम मेरा 12 बजे से बनया करता, फिर नू है 12 तक 2 तक अपने आराम तक घर पे ही रेस्ट कर लिया करती, 3 बजे तक सो जाया करती। तो फिर बाद में मामी और का ऐसा टाइम हो जाए काम करने का, तो फिर मैं क्या करूँगी जा करने, तो इस वजह से अभी चलते हैं पूरी दोपहर ओढ़े हाँ ओढ़े गप्पे मारांगे आज। तो मामा और से मैं पहुँच गई हूँ और पहुँचते ही सारे अपना अपना काम कर जुट रहे हैं। मामी झाड़ू निकाल के काढ़े दी थी, लगभग काढ़े दी है, और मुनी अठाठ से बैठी थी वहाँ भी काम ले दी है मना दे हैं, तो दिखाती हूँ अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब। यार मामी इधर है आ रहा कौन दर दी दूध दर है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कहना है। यहाँ पे दूध रखा जाएगा फिर उसको सवेरे भी लोया जाएगा। जो भी है समझ गए सारे। सब ने मेरा कुकर ताते इधर रखा। हाँ। इब की बारी है ना बेबे, जमा मारा है नी अब तक चुन रहा है यार, फिर भी मैं आटा कहूँ दाने ले आई हूँ और तेरा जी कराने जब पीसी है ठीक से। एक हफ्ता पीस दिए एक हफ्ता में। एक हफ्ता भी छूटे को नहीं, मतलब जब भी ना टाइम लागे 2-4 दिन 3 दिन में जब ये पीस दिए ठीक से। ईब का तो मैं संभड़िया को नहीं है मारा पहले वाली मगा मुनिया आ रही है सुथरा पीस है मुनिया पीस वाली हूँ लिया फिर कि मैं चरचरा नौकरी लागी खुआ दे मीठा तो दे आई थी चरचरा भी दे दे जुलम ठा रखा राम ने इतनी ठाडी गर्मी कौन करया करे। असल में गर्मी के महीने शुरू हो लिए हैं यू, जमा है ना बाहर कमरा में थी इतनी सिड़क थी उस कमरा में मामे वाला कमरा में, जमा सही हवा की जमा नू ओढ़ करना सोया जाव था, अरे बाहर आंदे नूरे उल्टी फिर बढ़ जा। 2 घंटे सो ली राम ते सागी नींद आई सी तो मैंने ओढ़े भी ना आंदी, क्योंकि है ना भीतर में नूरा पापा जी 3 बजे जाऊंगी तो ऑटोमेटिक आँख खुल जा, तो मामी ने उठाई मैं। और
बस अब घेर में जाने की तैयारी हो रही है। मैं खाले घर का नहीं सरक लूँगी और मामी और घेर में अपना जो काम धाम है मैसा का वो कर लेंगे। और मैंने हड़ंगा भी खेड़ के आना आज तसला भरिया खड़िया बाट देखने लग रहा है। मेरी जमा है खुले कुडबर सी आवेगी आराम ने बगा के आवेगी। दो रहन लग गए ये टंकी फिर तो खराब होगी। ये अभी तोलिए खराब हो गया है। तोलिए खराब हो गई है अभी किसने पिटन की तैयारी कर रहे हो जो करोड़ा भी धोरे टेंग रहे हो। मामा और कताई तो यार टंकी धरी पाई है तो भैया लेके आया माम नए घर खातर। इतना तेजी में यूज होगी फिर छैत पटंग जाएगी। मैं इब गेड़ आई हूँ एक तासड़ा डंगा का एक और रह गया उसने मैं सवेरे गेड़ के आऊँगी। और साफ सफाई करी थी ना तो उदन भरे थे दो तासड़े तो जाते हैं फिर गेड़न में पाई को नहीं तो एक सवेरे गेड़ आऊँगी एक इब गेड़ आई हूँ। और इब मेरा सब्जी बनाने का टाइम हो चुका है 6 बज गए। वैसे मैं 5:30 बजे लाग जाया करूँ लेकिन आज 6 बज गए हैं तो ऊपर मैं धड़कन आ रही थी करेले। आज मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी। ये ट्रैक्टर वाले भाई भाई तो के लग गए हाड़े मेरे जो भी मामा मुँह में लग दे होंगे देवर जे ठीक है लग गए हाड़े तो। और 6 बज गए हैं ऊपर तय उतार लिया हूँ मैं करेले धरे थे मैंने नमक का पानी में भिगो करना है ताकि उनकी जो कड़वापन है वो चला जावे। और ऊपर दे रही थी नीचे गाम चला गया था 3 बजे में मामा और बताई थी तो काट पीट करना ऊपर दे रहे नीचे गाम था एक नहीं तो इन मैं उन तार कर लिया हूँ। और सब्जी बनाने की जो तैयारी है वो कर लूँ मैं इतने और करेले की सब्जी बनाऊँगी आज मैं करेला आ हा 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 जरा इतना जी कर रहा था करेला खाने कई दिन आए थे तो कल अमित जी सब्जी लेके करेला लेके स्पेशल मंगवाया था मम्मा ने नहीं मेरा कितने तभी करेला जरूर लेकर ना आओगे तो बनावांगे जब मनु कती टेस्टी सब्जी चटाकेदार। देखो सारी पैड़ी साफ कर दी हैं और भैया जिसने माटी चाहिए हो मारता लेकर जा सके है कि मैं तो मैंने पैड पोड़ दी थी फिर एक दो रखनी बहुत जरूरी हो जाए हैं। चले ऊपर ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है चलांगे देखते हैं ऊपर से नज़ारा। ऊपर से आड़ तो तुम्हारा प्लाट ना दिखता मामा कद दिख है। और भाई सच में घर बनन का एक्साइटमेंट जो है ना वह न्यारी हुआ है और नक्शे नक्शे भी आप सभी तो जरूर दिखावांगे। इधर ही मेरे करेले आ चुके हैं मिस्टर अमित खनकस जी वेलकम होम। ईब लेटी थी रोटी खाई थी दो एक और ईब की 7 बजे खा ली थी हमने तो बाबू ने भी खा लिया हमने भी मन ने भी खा ली। आज जमा कती स्वाद बन रही है करेला की सब्जी सच्ची जमा कती टेस्टी। आज मैंने रेसिपी कुछ अलग बनाई 9 बजे सी बाहर जाओगे वाए वाए अच्छा ओके जी मिस्त्री दौरा जाया हो आप इतने कोई नहीं आप जाया हो ईट भी को नहीं आई आज मेरी सब्जी की शक्ल दिखाऊं आप सभी ने ये देखो पहले क्या होया करता थोड़ी ये जला दिया कर दी मैं लेकिन आज मैंने इतनी स्वाद सब्जी बना रखी है जो मैं गजब की। हाँ जी सब कैसे हो और खाना पीना हो गया मारा तो हो गया मन ने खा लिया और पापा जी ने भी खा लिया बस एक अमित जी रह गए। अमित जी गए हैं अभी मिस्त्री दो रहे क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी वो शनिवार को तेजी शुरू करने की थी वही सौन सामन करवा के जो कुकर जुकर भी होया करे तो हम शुरू कर देवांगे अपने फिर
तेजी लगानी। तो ये प्लान जो है इबके बरा बदल जाए के बरा नहीं बदला वो इब डिस्कस करने जा रही हैं मिस्त्री दूर है। और जो भी हमारी प्लानिंग थी ना सच में सारी अफरा तफरी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा भाई कुक करके किस तरीके से इब डिसीजन लिया जाऊगा, किस फिर वो शुरू कब करा जाऊगा, मतलब बहुत सारी बातें हैं। वो तो चलो छोड़ो इस व्लॉग में नहीं करते, फिर कभी करेंगे। यो व्लॉग तो बहुत ही खास है, हैं तो क्यों खास है, क्योंकि अभी मैं आप सभी को एक बात बताने वाली हूँ। आपके एक कमेंट है नहीं, काफ़ी बार आया हो रहा है, घड़ी बार जब इतने कमेंट जिस टाइम पे मैं बीमार होया कर दी उस टाइम पर, तो तुरंत वो कमेंट आया करता। तो बस उसे कमेंट का आज मैं जवाब देन खातर बैठी हूँ। मेरे नूती मुखा अमित जी आओगे तो मैं चलो साथ में जवाब दे देवांगे, लेकिन अभी उनका काम आ गया तो इब मुखा चलो रितु तू ये जुट जा। तो भाई पता है समझ में को नहीं आ रहा मैं कड़े तो शुरुआत करूँ और कड़े खत्म करूँ। तो भाई की कमेंट आया करता आप सभी की कि आप प्रेग्नेंट हो, आप रसोई में खड़े हो, आपका पेट दिखे, किचन में काम करो, आप प्रेग्नेंट हो, पक्का प्रेग्नेंट हो, कई पूछे कई बतावे प्रेग्नेंट है, बतादी को नहीं, जानबूझ के को नहीं बतादी, वैसे दिखन लग रहा है, तो या तो लगाने वाली चीज़ सही को नहीं, इस चीज़ ने आप छुपा बिल्कुल भी को नहीं सकते। तो बस मखा चलो आप सभी तक भी बता दे, और अभी सही टाइम आ चुका है कि मैं आप सभी को न्यूज़ दूँ, ठीक है, कि न्यूज़ वो आप देख लियो, टेस्ट कराया था तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो आप सभी को अभी मैं दिखाई देती हूँ कि है कि नहीं, तो ये देख लियो, दिखाइए कौन देता पास, देख लियो पॉजिटिव है। तो भाई यस आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। और पहले मैं तो सोच रही थी कि भाई कई बतांदे को नहीं कि प्रेगनेंसी है, फिर कई भी मतलब 3-4 महीने हुए पीछे फिर रिवील कर रहे हैं, मैंने नो थी कि मैंने बेरा पट दे मैं जब भी बताऊंगी तो, लेकिन फिर सब ने मना कर दिया था कि नानू ठीक को नहीं आया करता, कि इस चीज़ की क्या हुआ है कि ज़्यादा खुशी भी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि खुशी का टोक भी बहुत तोड़े लगा करे, तो हम डट जाओ मतलब 3 महीने 4 महीने 5 महीने मतलब डट जाओ, फिर सही टाइम आने पर फिर तम बता दियो। तो बड्डा की बात माननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मैंने प्रेगनेंसी अपनी रिवील कर दिया भाई, जो जिनसे कमेंट कराया कर देना है कि आप प्रेग्नेंट हो, हमने बेरा है ना बताओ तो हाँ सही कया कर दे आप, ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यह एक खुशखबरी जो मैंने आप सभी तय देनी थी, सही टाइम आया मैंने बता दी, कई तो बहुत खुश हुए होंगे जो मैंने अपनी फैमिली मानना है, मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो बहुत घने खुश हुए होंगे यह खुशखबरी सुनकर, क्योंकि इस खुशखबरी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था, सारे ने इंतज़ार हो रहा था, मारता घना तो आपने इंतज़ार हो रहा था, तो गोलू मोलू सी होने लग गई होंगी मैं, दिखते होंगे मेरे मोटे मोटे गलूरे हो रहे हैं। तो वही यस आई एम प्रेग्नेंट, बाकी आगे की बात जो है वो शेयर करांगे आप सभी के साथ मैं अगले व्लॉगा में, वही कौन सा मंथ है, कैसे क्या रिएक्शन रहे, सब कुछ मैंने कैप्चर कर रखा, सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। तो सारी की सारी वीडियो धीरे 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 आप सभी के पास मैं पहुँचती रहूँगी, और भाई बहुत प्यार दियो वीडियो ने, आने वाली वीडियो ने, इसने भी शेयर करियो, दब के शेयर करियो, दब के लाइक करियो, जितने भी मेरी आज तक वीडियो गई है ना, इस वीडियो पर सारा पर ज़्यादा तो लाइक होने चाहिए और सबसे ज़्यादा कमेंट होने चाहिए, ठीक है नी, प्लीज़ कर दियो हैं। तो बस यही खुशखबरी देनी थी आप सभी को, बाकी बातें करेंगे अगले व्लॉग में। तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर दूँ मैं आड़े एंड, मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वही जाने जाने लाइक कर जियो, कमेंट कर जियो, शेयर कर जियो, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो, प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़, ओके बाय।